जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइप टंकी की थर्ड क्लास, और वो भी कंप्लीटली, है ना। जितने भी टाइपिक क्वेश्चन रह रहे हैं आज सारे पूरे होने वाले हैं। तो सभी को फिर से गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक सा प्रश्न आपको सिंपल सा दूंगा, लेकिन समझना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, जैसे हम लोग आज ही प्रश्न करेंगे तो भरेंगे, खाली करेंगे, और कई बार तो क्षमता जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले बेसिक, वैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक टंकी की बात करेंगे भाई जी, तो टंकी क्या होता है, देखिए जैसे ए व्यक्ति है, कोई ए नल है, कोई बी नल है, कोई सी नल, तीन नल है। और किसी भी टंकी को ए नल भरता है 10 घंटे में, कितने में, 10 घंटे में। वी नल भरता है उसको 20 में, और सी नल भरता है उसको 30 घंटे में। आप तीनों भर रहे हैं 10 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे। मैंने कहा यार तुम तीनों एक साथ क्यों नहीं खोल देते हो, समय बर्बाद हो रहा है उनका, बिल्कुल खोल दें। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टंकी है कितने लीटर की। तो मैंने कहा भाई इन तीनों को क्या कीजिए, आप इनका कीजिए एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो देखो 10, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे 60। 10 6 60 और 20 3 60 और 30 2 60। तीनों लोग भर रहे हैं तो देखो बेटा ये होती है आपकी क्षमता, कैपेसिटी, और ये टोटल स्पेस जो भी उसमें रहेगा, ठीक है। और 6 और 3 9 और 2 11, ये टोटल हमको 60 लीटर भरना है। और हमारी क्षमता कितनी हो गई, 11 की। तो 11 डिवाइड करेंगे आप, निकल आएगा तो 11 बचे 55, कितना चाहिए भैया, 5। तो 5 बटे 11 घंटे, यानी 5 सही 5 बटे 11 घंटे। लेकिन कई बार ऑप्शन मिलेगा 5 घंटे और कुछ मिनट, कुछ घंटे और मिनट। तो देखो घंटे और मिनट, तो घंटों कर लो अलग, 5 को, मिनट चाहिए तो 5 बटे 11 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60। यहां फिर से करो, 11 बचे कितना बच गया, 5। 11 बटे कितना था, 5 बच गया भैया। अब क्या करो, फिर कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 दशमलव पॉइंट लगा दो, कितने हो गए, 11 पचे फिर से 11 चौके 44, यहीं रोक दो, ज्यादा ना जाओगे। अब देखो 5 25 और 5 चौके 20, तो ये आप देख रहे हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 25 25 तो 2 27, दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये 27 मिनट, यानी 5 घंटे 27 मिनट में ये टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, समझ में आया। से अब आज के प्रश्न, भैया सबको जय हिंद, राधे राधे, सबको भैया ज्योति आ गए हो, आचल सरोज कुमारी, रविकांत, हम तुम, क्षितिज, राधे, सभी लोग आए हैं भाई, ज्योति, चले सभी लोग कीजिए, रितु स्टार्टअप। भाई कल वाले ही प्रश्न हैं जो आपको कल कराने थे, बट वो किसी वजह से ना सही से करा नहीं पाए, करा क्या पता उसमें एक्चुअली ऐसा रहा बच्चों, वो साफ दिख नहीं रहा था उसमें ना, यहाँ साफ दिख रहा है सबको, अगर यहाँ के लिए दिख रहा है तो प्रेस कर दो, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। चलो आज का पहला प्रश्न जो है वो लगाइए, 31 यहाँ दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है, चलिए लगाइएगा कि एक पाइप किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा पाइप 20 से 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाएं या चलाए जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 18 घंटे 36 मिनट, वी 19 घंटे 36 मिनट, सी 17 घंटे 24 मिनट, और डी है 20 घंटे 32 मिनट। देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत ही इजी है, करना है बस आपको। समझिएगा कि भाई ए व्यक्ति है, वो उसको कितने में भर रहा है, 6 में, कितने में, 6 में। बी खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है भैया, खाली कर रहा है, कितने में, 15 घंटों की बात हुई है, सर ये घंटे रहे, पहले से लिखा है, ठीक। दोनों क्लास निकालिए 30, दोनों क्लास टोटल काम मिल गया हमको, इतना काम करना है, कंफर्म हो गया।
अब देखो भाई, 6 पंचे 30 और 15 दुनी 30। देखो ये निकाल रहा है ना, तो ये निकालेगा और ये भर रहा है। देखो क्या होगा, जब हम पहली मिनट यानी पहले घंटे जब काम करेंगे तो जो पहले घंटे में हमारा ए आएगा और ये 5 को फिल करेगा, भर देगा। दूसरे घंटे में ये एक घंटा ये चलेगा कौन, बी, और ये करेगा ये 2 खाली कर देगा। तो हम ये देखेंगे कि देखो भाई, 1 और 1 2 और 5 में से 2 गए 3। यानी हम देख रहे हैं कि भाई 2 घंटे में क्या हो पा रहा है, ये 3 भर पा रहा है, कंफर्म डन। अब देखो ये 2 घंटे में 3 भर पाता है, इसको भरना कितना है, 30। हम ही देखेंगे कि भैया अगर हम इसको भर दें पूरा पूरा, तो अगर पूरा पूरा करोगे बेटा 10 बार कर दोगे, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास ये 5 भर रहा है, ये 2 निकाल भी तो रहा है और ये भी एडजस्ट करते चलना है हमें। तो हम देखेंगे इसके नियर बाई, जैसे या तो लेस करके देख लो, तो 25 इसके नियर बाई कहें 3 का जा रहा है, बिल्कुल जाएगा सर। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यार जोड़ के 30 फिर हो जाएगा, कम ना पड़े ज़्यादा हो जाए। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 9, 9 दिया 27, और ये 9 दोनी यानी 18 घंटे में कितना भर दिया, 27 भर दिया। अभी मेरे पास अब क्या होगा, ए आएगा अगले घंटे में, कौन आएगा, ए, और एक घंटे में कितना भर रहा बेटा ये 5, कितना हो जाएगा ये 32, ज़्यादा हो जाएगा और हमको भरना है 30। तो देखो हम क्या करेंगे, हमको कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की, तो बेटा 3/5। अब चूँकि हमें ज़्यादा है और मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 60, 12 पंचे 36। यानी अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कि सिंपल सी बात है कि 18 और 19 नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और +36 मिनट, ठीक। और ये कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ 3 मिल जाएगा बच्चे, यानी 18 घंटे 36 मिनट में 30 भर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बच्चे ए इज करेक्ट, डन, लॉक किया जाए। बोले क्या कि बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना बहुत मुश्किल है, डन, लॉक किया जाए। हाँ चलो भाई, नंबर नेक्स्ट लगाइए। नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई 2 नल हैं, ए और बी, 2 नल हैं ए और बी, किसी टैंक को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं, दोनों भर रहे हैं 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीसरा नल सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है, क्या है कि 15 मिनट में खाली कर सकता है, यदि तीनों को क्रम से एक एक मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 23 घंटे, बी 25, सी 24 और डी 26। सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप बेसिक लगाइए, मजा आएगा, आप इतना अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करने वाले हैं, पेपर मिलेगा, आप कहेंगे यस ये इतना सा सिंपल सा सर हो गया, डन, लॉक किया जाए। चलिए आज का देखिए, अब देखते हैं नंबर 32 लगाइए। आपको देखो सबको यहाँ दिख रहा होगा, इसको लगाइए आप फुर्ती में, एकदम एक्टिव होके, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, अब मज़ा आया है। 32 देखो सिंपल सा है, क्या कि यार आपने लिया किसको, ए एंड ये बी एंड सी, ये भर रहे हैं, ए भर रहा है कितने में, 10 में, बी 12 में, सी खाली कर रहा है 15 में, तीनों का लसा 60, 10 सिक 12 पंचे और 15 चौके 60। देखो ये क्या कर रहा है, खाली और ये भर रहा है, सबको एक एक मिनट बारी बारी चलाना है, तो पहले बारी किसकी आएगी, ए की, कैमरे चलेगा एक मिनट, कितना भर देगा 6। अगली बारी किसकी है, कितना चलेगा, एक मिनट,
कितना भरेगा? 5। अगली बारी कितना चलेगा? कितना खाली करेगा? 4। इसका मतलब 1, 2 कितने मिनट हो गए? 3 मिनट हो गए। कौन कौन चल गया? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों चल गए। हमारे पास पानी कितना आया? 6 और 5 11, लेकिन माइनस 4 कितना बचा बच्चे? 8। कितना? हाँ सॉरी 7। 7 बच गया बच्चे। अब देखो 3 मिनट में कितना आ पा रहा है? 7। अब मैंने देखा कि मैं क्या करूं, मुझे भरना कितना है? 60। कितना भरना है? 60। अब जब 60 भरना है और मेरे पास 7 है, तो मैंने कितने मल्टीप्लाई कर उसके नियर बाय पहुंच जाऊं? तो मैंने कहा 8 से 56 ज्यादा, लेकिन 56 जब करोगे ना तो ये 6 भरेगा और ये आगे निकल जाएगा। हमें 60 ही भरना है, 56 6 तो 62 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, सॉरी 56, हाँ ठीक है जैसा हो जाएगा। तो इसके और पहले आओ, 7 7 49, तो मल्टीप्लाई बेटा यहाँ भी 7 करोगे तो कितना हो गया? 21 मिनट। और ये कितना है? 7 7 49। अभी भी शेष है, अब बारी किसकी आएगी? एक ही, एक मिनट चलेगा, कितना भरेगा बेटा? 6। कितना भरेगा? 6। अगला अभी पूरा हुआ क्या? नहीं, 55 हो पाया बेटा। अगले मिनट कौन आएगा? बी। कितना भर देगा? 5। कितना हो गया बेटा? 60 हुआ। और ये कितना हो गया? 21 1 22 1 23, यानी 23 मिनट में ये 60 लीटर फुल कर देगा। डन, समझ में आया? चलेगा। ऑप्शन नंबर बच्चे क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, लॉक किया जाए? चलिए, देखो भाई हम जो भाई पढ़ते हैं ना, जैसे देखो बेसिकली होता क्या है, हम कॉमन सेंस पे बात नहीं करते हैं, हम लॉजिक नहीं समझते। वो वाली बात कि सर 4 मंजिल की बिल्डिंग है, सर भयंकर रूप से आग लगी सर पहली मंजिल पे, एम्बुलेंस आई सर, किससे आग बुझवाएं, कौन सी फ्लोर की पहले बुझवाएं कि सर बंद हो जाए। तो मेरे भाई पहले सुन, आया कौन है? एम्बुलेंस आई, पहले पेशेंट भेज, है ना। हम करते क्या, हम प्रश्न देखते हैं, लगाना चालू, पहले उसको आराम से पढ़ लो, पढ़ोगे लग जाएगा, सिंपल होता है। डन किया जाए? चलेगा। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट 33 पढ़िएगा कि दो नल, सबके आंसर आ रहे हैं भाई? सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। एक और निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। कितना? 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। अभी निकले, बहुत आसान था बच्चे, बहुत आसानी से 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल टंकी में खोल दिए जाएं तो 10 घंटे में टंकी भर सकती है, तो 10 घंटे में टंकी भर सकती है, तो टंकी की क्षमता बताएं। फिर सुन लो कि एक दो नल हैं, क्रमशः 5 और 6 घंटे में टंकी भर सकते हैं, परंतु एक निकासी नल जो सी है वो इसे 1 घंटे में 24 गैलन पानी बाहर फेंक सकता है। तो उन्होंने कहा कि यदि ये तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 10 घंटे में टंकी भर भी देते हैं। अब टंकी की क्षमता बताओ। चलो भाई लाइट झटका दे गए, चलो भाई कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक्टिव हो गए भाई कि नहीं? हो सो तो नहीं गए। चलिए 33 सुनिए क्या कह रहा, क्या रहा है 33 नंबर। ये कह रहा है भैया हम जब ए भर रहा है ना, तो हमारा कितने में भर रहा है? हम भर ए भर पा रहे हैं 5 में, तो ए 5, बी 6, सी जो है वो नल क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक निकासी नल है वो 1 घंटे में 24 गैलन खाली करता है। कितना? 24 गैलन खाली करता है। इसको अलग रखिए कि वो 1 घंटे में क्या कर रहा है, सी जो है वो 1 घंटे में 24 गैलन खाली कर रहा है, ठीक है 24 गैलन, तो 24 गैलन खाली कर रहा है बेटा, इसको रखते हैं। और फिर कह रहा है यदि वो तीनों मिलके 10 घंटे, यानी तीनों चलते हैं तो 10 घंटे में भर भी देते हैं, यानी ए बी एंड सी तीनों चलते हैं बेटा 10 घंटे में भर सकते हैं,
डन। अभी देखो पहले कि यार अगर हम तीनों को अल्लाह से निकालें तो कितना निकलेगा बेटा? 30। 5 एक 30, 6 पंचे 30 और 10 तिहाई 30। ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, ठीक। ये देखो दोनों में ये 6 5 11, ये 3 खाली, कितना बचा बेटा? 6 5 11 और 3 लेस करने, कितना? 8। देखो बेटा 8 से हम भर पाएंगे, कितना भरना होगा? 30, ठीक है। लेकिन ये सुस्सी है वो कितने गैलन? 24 गैलन। तो बेटा गैलन यहाँ ले लो उसकी, 24 गैलन ही निकाल रहा है, खाली कर रहा है। तो 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, 0 बेटा 90। 90 लीटर क्षमता है इस टंकी की, कितनी है बच्चा? 90 लीटर क्षमता है इसकी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज डन। समझ में आया? बोले इंसान कहता है पैसे हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। इंसान क्या कहता है? तो हम लोग कहते भैया कि भैया इंसान ये कहता है कि यार पैसे हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता ना कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। तो कुछ करके दिखाना ना, तभी तो कुछ आ सकता है, संभव नहीं है ऐसे कुछ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। आवाज आ रही है ना सही? कि दो नल एक टंकी को 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल उसे एक घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। हाँ, एक घंटे में 80 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नलों को खोल दें तो टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लगता है। तो गैलन की या टंकी की क्षमता बताएं, तो टंकी की क्षमता बताएं। देखिए भाई और क्या कह रहा है? ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 600 लीटर, ऑप्शन बी 100 लीटर और ऑप्शन डी 900 लीटर। डन करें? चलिए भाई फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फुर्ती में, चलेगा। सबका आंसर आया? हाँ भाई राधा, आ रहा है आंसर? चलिए सभी लोग भैया नाम से ना घबराएं, काम करें ना, क्योंकि काम करोगे तभी नाम होगा। ऑप्शन ए एंड बी और सी, लेकिन सी की बात अलग है क्योंकि आप तीनों मिलके भर रहे हैं। तो बेटा देखो ए कितने में भर रहा है इसको? ए 10 में, बी और ए बी और सी ए कितने में खाली भर रहे हैं इसको? तीनों मिल कितने में भर रहे हैं बेटा? 20 घंटे में। तीनों का लासा निकालो बच्चे, 60, 10 ठीक 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। ये सब क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो उसमें एक खाली वाला भी तो आ रहा है ना उसमें, तो ये बेटा माइनस खाली करेगा, ये भर रहे हैं। तो 6 5 11 3 माइनस कितना चल बेटा? 8। टोटल भरना कितना है? 60 लीटर भरना है और 8 से भर रहे हैं। यद्यपि तीसरा जो क्षमता है उसकी गैलन है, कितनी है? 80 गैलन बच्चे। तो देखो बेटा 8 धाम 80, 10 और ये 60 गुणे 6 बेटा कितना हो जाएगा? 600 गैलन, 600 लीटर पानी उस टंकी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? बी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन किया जाए एक्स? चलो भाई हाँ बहुत अच्छा है कि एक्स अगला कीजिए कि एक ए नल किसी हौज को 60 मिनट में भर सकता है। ए नल किसी हौज को 60 मिनट में भर सकता है तथा बी उसे 75 मिनट में भर सकता है। बी उसे 75 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है, तीसरा नल उसे खाली करता है।
तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर, तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर 50 मिनट में टंकी भर जाती है। कितने में भर जाती है? 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो बताइए तीसरा नल सी भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? प्रश्न चेंज इज वर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 99, वी 88, सी 100, डी 75। डन करें, इक्वल करें, इसको आप बेहतरीन से समझिएगा, आसानी से समझिएगा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो काफी प्यारा है इसलिए इसको प्यार से करते हैं, है ना। चलिए भाई, जितने भी लोग हैं एक बार प्लीज यार, शेयर इंपॉर्टेंट है, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा आप इसको। जितना आप कर देंगे उतना मजा आने वाला है आपके साथ, बहुत सारा मजा आने वाला है। अब देखिए करने क्या है कि भैया ए व्यक्ति जो है वो कितने में भर रहा है? 10 में। बेटा बोलिएगा, ए कितना? 10 में नहीं, 60 में भर रहा है। कितना भर रहा है बेटा? 60 में। बी 75 में भरता है। और तीनों मिलके ए बी प्लस सी कितने में भर रहे हैं? 50 मिनट। डन। इसमें सी जो है खाली करता है ना, तो बेटा इनने भरा, अब इनका एलसीएम कितना होगा बेटा? 300। तो 6 × 5 = 30, 75 × 4 = 300 और ये 50 × 300। बस डन। अब भर कौन कौन रहा था? ए प्लस बी भर रहे थे, लेकिन सी ऐसा नहीं कर रहे थे। सी क्या कर रहे थे? सी उसे खाली कर रहे थे। अभी रुक जाओ जरा, ये देखो बेटा 5 × 4 = 9 और ये कितना है? 6। लेकिन बात सुनो, थोड़ा सा और समझिए कि भैया 6 कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर लो, थोड़ा और आसान कर लो, और आपको आसान करा दें। कैसे? देखो कि भैया 6 × 4 कितना करोगे आप? 10। क्योंकि देखो ए बी सी यहाँ है, वो तीनों कितने हैं? 6 में भर रहे हैं। सिंपल सा है, देखो हमारा प्रश्न रहेगा, तीनों ने भरा तो कितना भर दिया हमारा? 6 में भर दिया। जो पहले भर रहे हैं, जो हम भर रहे हैं, देखो 5 + 4 तो कितना हो गया भैया? 9। और ये तीनों मिल कितना कर रहे हैं भैया? 6। अंदर कितना बचे? 3। अंतर 3 है, 3 ही तो भर रहे हैं। कितना भरना है? 300। किससे भर रहे हैं? 3 से। तो बेटा 30 × 300 कितना आ गया? 100। 100 क्या हो जाएगा भैया? मिनट। आपका मिनट में आंसर 100 मिनट हो जाएगा, और आपको सब मिनट में ही दिया गया था, तो एग्जैक्टली मिनट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। डन करें अगला। अच्छा देखो, हम लोग अगला प्रश्न लगाएंगे और उसको समझना, पहले आसानी समझ लेना, पढ़िएगा, आपको लगा दिया गया, आप इसको पढ़िए, है ना। फिर हम बता रहे हैं कि दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। पाइप भर सकते हैं 40 और तक लाइट। देखो भाई ए जो है 30 मिनट, बी 45 मिनट और पाइप सी उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 24 मिनट, बी 30 मिनट, सी 36 मिनट और डी 12 मिनट। सारे ऑप्शन मिल गए, करें इसको। चलिएगा, देखिए समझना है भाई बेहतरीन तरीके से, कुछ भी नहीं करना, और हम लोग काम करेंगे बेस्ट वाला, है ना। तो पहले भाई समझो इसको, कैसे समझोगे? देखिए पहले 36 नंबर, 36। अब 36 करना क्या क्या है? ए बी सी, ए एंड बी एंड सी, ये भर रहा है कितने देर में भैया? 30 मिनट में। घंटे हटाओ, मिनट लगा दो, है ना। और ये 45 मिनट में, और ये 60 मिनट में क्या कर रहा है? 36 मिनट में खाली कर सकता है, 36 मिनट। ठीक है, अभी करना क्या समझिए, पहले कि हमें पहले इनका चाहिए एल सी एम।
पैंतालीस छत्तीस नब्बे का एलसीएम मतलब बच्चे 180, 30 छः का 180, 45 दूनी 90, 90 जो दूनी 180 होती है, यानी चौके 180, और 36 से कितनी बार बन जाएगा भैया, 36 से 40 में 5 टाइम में, यानी 5, 36 पंचे 180। आप समझो पहले, समझना सिंपल सी बात क्या है कि पहले 12 मिनट ये भरने वाले दो चलाए गए, तो 6 और 4 10, 12 मिनट चला दिए गए, कितना बार बेटा 120 लीटर पानी ने भर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद सी भी खोला गया, उसके बाद सी भी खोला। अब देखो काम मेरा कितना 180 है बच्चे, काम मेरा 180, 120 मैंने कर 120 भर दिया है, कितना 60 लीटर पानी बचा जो भरना है। अब तीनों चलेंगे तो ये 6 और 4 4 10 भरेगा, 5 ये निकाल देगा, कितना बचेगा बच्चे 5। अब ये क्या करोगे, 5 से आपको चलाना पड़ेगा, ये आपको किससे 5 से चलाना पड़ेगा। अच्छा समझो, तो भैया 12 पंचे 60, तो 12 मिनट में ये टंकी को खाली नहीं करेगा, भरेगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। अच्छा एक क्या हो गया आपका, हो गया तो सी को खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक भरने में समय लगेगा आप कितना 12 मिनट। अच्छा अगर कभी बोला कुल समय कितना लगेगा तो इसको भी ऐड कर लेना, 12 मिनट पहले ये रहा, 12 मिनट ये रहा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए सर्च करना पड़ेगा, फिलहाल अभी डी है। चलिए भाई ठीक डन, ऑफ प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा एक बात सुनो, जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो दिमाग में बहुत चीज़ आती है हमारे कि सर हाउ टू वर्क, हाउ टू लर्न, हम याद कैसे करें, कैसे काम करें, भूल जाते हैं ज़्यादातर फ्रेंड्स, यही लोग डालते हैं कमेंट, सर हम पढ़ते तो बहुत अच्छा है बट भूल जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही फैक्ट होता है भूलने का, कि जैसे आप किसी काम को जब शिद्दत और दिल से करते हैं ना तब आप नहीं भूलते हैं, लेकिन आप करते क्या है, आप उसको बोझ समझ करने प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा करना है मैं इसलिए पढ़ता हूँ, नहीं भूल जाओ, भूल जाओ ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ना है, मुझे समझना है मैं इसलिए पढ़ता हूँ। चीज़ को रटिएगा नहीं, समझिएगा, जितना कि आप जो है काम करते हैं बेटा उसको जब आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतना अच्छा कर पाएंगे। जैसे अभी आपका मन करे कि मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपका मन कर रहा है नहीं सर मूवी देखनी है तो फिर आपको मूवी ज़्यादा मेमोराइज रहेगी, वो ज़्यादा याद रहेगी आपको, पढ़ाई कम रहेगी। अच्छा अब करना क्या, देखो आपको बताएं एक आप दुनिया में समझिए आप राजा हैं है ना, और जो आपका माइंड है वो आपका सेनापति, जानते हो सेनापति, जो कि पूर्ण शक्ति सेना शक्ति किसकी होती है, सेनापति की बात होती है, लेकिन वो आपको भ्रमित करता है कैसे, कि महाराज सामने वाली सेना ना बहुत बड़ी है, युद्ध जीतना असंभव है, और वो आपको गुमराह करता है। रीजन क्या होता, वो लड़ना नहीं चाहता, सोचते जब बैठे बैठे मिल रहा है तो क्यों लड़ने जाए, और वही हो आप राजा, अगर आप कह दो ना कुछ भी हो युद्ध लड़ना है, अब वो युद्ध स्थल जब जाएगा उससे पता क्या होगा, एक काम उससे अपने प्राण बचा रहे हैं ना तो जीतना पड़ेगा, जीतेगा आपका काम हो गया। तो आपको जो मन भ्रमित करे और ये बोले ना कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, उसको बोले चल आज पढ़ कल नहीं पढ़ेंगे, है ना, आज पढ़वा लो, जब कल आए फिर एक बार याद दिलाएगा कल क्या कहा था, कहता हाँ आप बिल्कुल याद है आज पढ़ कल नहीं पढ़ेंगे, कल फिर से वो एक बार दिलाए पढ़ लो नहीं पढ़ना है, कल बोले आज थोड़ी देर पढ़ो फिर नहीं पढ़ेंगे। अब वो देखो दिमाग पागल तो है नहीं, तीन बार समझ जाएगा कि ये मानने वाला नहीं है, चलो इसको ऐसा करो इसको पढ़ाओ, इसका सब पढ़ के खत्म हो जाएगा तब तो छुट्टी दे देगा, पढ़ लो अपना काम निकाल लो बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा,
है ना। और अगर तुमने एक दिन इसने कहा नहीं पढ़ना तो चल ठीक है आराम कर ले 10 मिनट, बेटा 10 मिनट वो कभी 10 घंटे में चेंज कर देता है, कोई इसका भरोसा नहीं है। ये गुलाम तो है, आप उसको जिस डायरेक्शन में वर्क देंगे वो उतना ही बेहतर करके लाएगा। वह शर्ते निर्देश देते रहिए इसको, अगर आपने निर्देश देना बंद कर दिया फिर नहीं चलेगा ये, ठीक है। बोलते ना कि वो चांद था मैं उसके पीछे पड़ा एक सितारा, वो चांद था मैं उसके पीछे पड़ा एक सितारा, उसे पसंद था मुझसे भी कोई बहुत बड़ा तारा, है ना। कि वो चांद था मैं उसके पीछे पड़ा सितारा, उसे पसंद था मुझसे भी बड़ा कोई और तारा, है ना। बहुत अच्छे, चलिए अब अगला प्रश्न लगाते हैं, और प्रश्न बहुत ही आसान और इजी होंगे, है ना। ये आपके यहाँ बड़ी क्लास परिपूर्ण है आपके लिए, आप इसमें बहुत बेहतरीन कर सकते हैं यद्यपि आप मेहनत से करें तो। चलिए अब प्रश्न नंबर 37 लगाइए, 37 नंबर लगाइए बेटा, मार्क उठा के दो, ऑफलाइन बहुत मार पड़ेगी आप लोग, उठाइए। चलिए नंबर 37 कि दो नालियां एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं, कितने 24 और 26 मिनट भर सकते हैं, 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। तदनुसार यदि दोनों नालियां एक साथ खोल दी जाए, तो वाई कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए, ऑप्शन ए बच्चा 10 मिनट, अभी 8 मिनट, सी 6 मिनट और डी 5 मिनट। समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत ही अच्छे, बस बने रहो बच्चे, है ना। चलो करो इसको 37 नंबर भाई, जिसको भी खांसी वासी आए बच्चा चेकअप करा लो, अभी खत्म नहीं हुआ इंडिया से है, ठीक है बच्चे। चले 37 तो भाई देखो एक्स जो है 24, सॉरी पहले एक्स आएगा ना, हाँ तो पहले एक्स कर लो, एक्स 24 और वाई 32, दोनों ही भरेंगे तो पहले इसका एलसीएम, टंकी क्षमता कैसे निकलेगी भैया, दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चे 96, 24 चौके 96 और 32 तिहाई 96। अब होना क्या है कि जब सर दोनों भर सकते हैं लेकिन हमसे कंडीशन बोली यही कि भैया 18 मिनट में टंकी भर जाए तो हम कब बंद करें किसको, वाई को। तो पहले हम देखें भैया कि वाई कितना भरता है, 3 भरता है, 3 भर दिया, कई मिनट में भरनी है इसको 18 में, तो 18 तिहाई 54 तो 72 होता है, हाँ तुमको नहीं आता है, 3 बिल्कुल सही है बेटा 54 आएगा। अभी करना देखो, आप समझो अगर 18 मिनट में टंकी भरनी है तो पहले हम किससे भरवाएं, इसे भरवाएं, इसे हमारी इच्छा है तो पहले हम भरवाएंगे इनसे, तो 4 × 18 मिनट तो बेटा कितना है 18 × 72, अच्छा 96 टोटल भरनी है, 72 ये है सर, कितना बचा 4 और यहाँ से कितना 2, 24 बचा है। देखो जब हम 72 भर देंगे क्यों 18 मिनट में पूरी भरनी टंकी, तो हम देख रहे हैं अगर 18 भरनी पड़े तो हम क्या करेंगे इसको 4 वाले यानी x को 18 मिनट काम करवा देंगे तो 72 काम कर देगा, हमारा काम करना 24 बचेगा, और 24 उसी अंतराल में कौन कर दे हमारा, वाई कर दे, तो हमारा काम शेष रह जाएगा। तो बेटा देखो 24 लिख लो यहां से 24 बटे क्षमता कितनी बेटा 3 × 3 = 24। अभी जो 8 आया है ना ये 8 मिनट यानी अब क्या है कि वाई को खोलो और 8 मिनट बाद बंद कर दो, 8 मिनट बाद क्या करना है
वायु को बंद कर देना बच्चे, ठीक। यानी आरती 24 ये भरेगा और ये कितना भरेगा 18 में पूरा चलेगा, क्योंकि 18 में भरना है इसलिए। तो हमारा ऑप्शन डी है शायद, डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी बच्चा बी है, क्या है बी, बी इज बी। चलिए नेक्स्ट लगाएं आप, चलिए कीजिएगा कि 38 नंबर है, पढ़िएगा इसको कि तीन नालियां हैं, तीन पाइप समझ लीजिए आप कि तीन पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटों तक तीनों ने एक साथ काम किया, कई घंटों तक कि 2 घंटों तक तीनों ने एक साथ काम किया। तीनों खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया, किसको सी को बंद कर दिया गया। अब हुआ जब सी को बंद कर दिया गया बच्चे, और ए तथा बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार अकेले नाली सी, तदनुसार अकेले नाली सी द्वारा टंकी को भरने में कितने घंटों में या कितने घंटों का समय लगेगा। ऑप्शन ए 10, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। बच्चा फिर प्रश्न बढ़िया कि नालियाँ यह हैं ए बी सी तथा ए बी सी किसी घंटा तीनों मिलके 6 घंटों में भर सकता है। 2 घंटों तक तीनों ने एक साथ कार्य किया, 2 घंटे बाद जो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, और ए और बी उसी टंकी को 8 घंटों में भर सकते हैं या भर देते हैं। तो अकेला सी उस टंकी को कितने समय में भर देगा। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। देखिए भाई एक्टिव होके जरा कंपैरिजन करना, कुछ भी नहीं भाई है इजी, बट तुमको इसकी लैंग्वेज समझ में कम आएगी, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही मिलते हैं एग्जाम में ना, और एग्जाम देते वो ऐसे हैं ताकि आपको भाषा थोड़ी कम समझ में आए, आप कन्फ्यूजन में रहें और उनका काम आसान हो जाए। चलेगा पहले तीनों भाषे भरवाइए, ए प्लस बी और प्लस सी, क्योंकि 6 घंटों में भर रहे हैं, कितने देर में 6 घंटों में भर रहे हैं, ठीक। आप क्या बोला गया सर ए, अच्छा 2 घंटे तक सबने काम किया, 2 आवर तक या 2 घंटों तक सबने काम किया, कोई डाउट नो डाउट करवा दिया भैया। अब क्या हुआ जब दोनों सबने काम किया है तो ये बताओ ये 6 घंटे में भर सकते थे ना, 2 घंटे काम कर ही लिया, अब इनने कितना और शेष रहना है 4, तो अब इनके पास कितना शेष 4 घंटे तो रह गए अभी 4 घंटे। लेकिन ये कर क्या रहे हैं बच्चे कि ए और प्लस बी, ए प्लस बी इसको कितने दिन भर पा रहे हैं 8 घंटे में भर पा रहे हैं, कितने में 8 घंटे में, जबकि ये अब इनके पास ना ए प्लस बी प्लस सी, देखो बेटा ये 6 घंटे में पूरा भर सकते थे, 2 घंटे ने काम कर दिया, यानी शेष काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते, श्योर कर सकते हैं, लेकिन वही काम जब ए और बी के पास हो रहा है वो 8 घंटे में कर पा रहे हैं बेचारे। तो हम इनका रेशियो देख लें, टाइम भर का मिल जाएगा, देखो बेटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इन 1/2 का रेशियो मिल गया। अब 1/2 का रेशियो मिल चुका है, लेकिन सिंपली समझना है कि भाई 6 में करना है, या देखो अगर हम देखो सिंपल समझिए भाई टाइम इनवर्स समझते हैं, ये क्षमता है अभी उल्टा कर लो क्या निकल आएगा, टाइम क्षमता को उल्टा करें टाइम, टाइम को उल्टा करें क्षमता। अब सिंपल सा है जब हमको मिल ही गया है, आप क्या करना बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 घंटे कितना था बेटा 12। सर 2 मल्टीप्लाई 6 क्यों आया, कि भैया करना तो यही है ना, करना तो यही है। अब देखो बेटा 12 कहीं है तो समझिएगा, पहले अगर आपको कन्फ्यूजन लगे भी तो हमें सिंपल सा मिल चुका भैया 1/2 बन रहा है किसका, देखो ए प्लस बी कितना है 2 है और सी कितना है, जब सब कुल 4 है और हमें एक आप दिख रहा है तो एक और कितना हो रहा है 3 तो आ रहा है, वो ए भी तो पहले 2 है तो एक बचा ना हमारे पास, अब जब एक ही बचा है और उससे भी काम करवाना है, अभी पहले 1/2 और भरना 6, तो बेटा 1/2 से करो 12 में हो जाएगा, चाहे उससे 1 से कर लो 1 से 12 में कर लो, ठीक। कन्फ्यूजन अगर लगे तो एक बार और समझ लीजिएगा,
अगर कन्फ्यूजन लगे तो भाई पहले रिस्पॉन्स को, कन्फ्यूजन लग रही है, समझ में आ रहा है? आ रहा है, देखो समझिएगा पहले कि ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर सकते थे, 2 घंटों ने काम किया फिर चले गए, तो अब इनका काम 4 घंटे का बचा कि नहीं बचा? लेकिन वही काम ए और सी 8 घंटे में कर पा रहे हैं, डन। हमने देखा रेशियो कि भाई दोनों में डिफरेंस अगर दोनों में ये 4 और ये 8, तो हमने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, खत्म कहानी। हमारे हिसाब से 2 और 1 3 का टाइम रह गया था, लेकिन ये क्षमता थी और हमको रेट टाइम, तो हमने कहा कि बेटा क्षमता बटे समय होता है, हमने यहाँ उल्टा कर दिया, हमारा समय आ गया। समय क्या, 2:1 का आ गया, है ना। अब 2:1 जब 1 का आ गया है और हमें कितना करना है बच्चा, हमें करना है 6। अब सब सिंपली 6 करना है, तो अब देखो ये हमारा क्षमता थोड़ी ना, ये समय है ना, सब समय है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई, भैया फिर से हमें करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर देंगे, तो उल्टा हो जाएगा, सिंपली मिल रहा ना, तो बेटा कितना हो गया 12। इतनी सी बात ही और कुछ नहीं थी। चलिए आप करें अगला, 39 लगाएं, 39 कि 3 पाइप भाई, नेक्स्ट पढ़िए 39 कह, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। अब सिंपल क्या, 2 घंटे मिलकर सभी लोग कार्य करते हैं, 2 घंटे सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, और 2 घंटे और सी, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी शेष भाग को, सात घंटों में पूरा भर सकते हैं। तो अकेले सी इसे कितने दिनों में भर लेगा? ऑप्शन ए 13 घंटे, बी 14 घंटे, सी 12 घंटे, डी 11 घंटे। 13, 14, 11, 12 एंड 11। फोर्थ टीम लगाइए, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होना है, बिल्कुल चेंजमेंट नहीं। कितना है बच्चे, 14, बहुत अच्छे बच्चे, गुड नाइस। और कोई है भाई? चलो भाई बाकी वाले भी आंसर दे दो, तुम्हारे वाले रिप्लाई आएंगे बच्चों, आएंगे, गजब हो तुम यार। तुम ये समझो जैसे जो लोग नहीं मंदिर में जाते हैं गुप्त दान देते हैं, ठीक है, तुम उन्हीं में से हो। हाँ पता, काफी सारे लोग ऑनलाइन होके भी आंसर नहीं करते हैं, वो गुप्त दान देते हैं, है ना। हाँ तो ठीक है भाई, कह रहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग जब मिलते हैं तो उसे 6 घंटों में भर देते हैं। क्या घंटे बच्चा? 6 घंटे में भर देते हैं। लेकिन वही जब करते क्या है, वो 2 घंटे सभी लोग मिलकर काम करते हैं, 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम कर देते हैं भैया, ठीक है एक साथ। तो अब काम कितना बचा बच्चे, 4। कितना बचा है बच्चे, 4। किनका काम बचा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर करते 4 दिन का काम और था, लेकिन हुआ क्या, इसमें से सी व्यक्ति ने छोड़ दिया। अब कितने लोग कर रहे हैं, ए प्लस बी, 2 लोग काम कर रहे हैं और ये उसको शेष काम को 7 दिनों में कर पा रहे हैं। अब ये देखो, ये टाइम हमारे पास 4 दिन का, 4 घंटे हो, 7 घंटे का, हमें चाहिए क्षमता, तो हम क्या करेंगे बेटा, उल्टा कर देंगे, तो 7:4, ये क्या हो गई हमारी क्षमता हो गई, ये क्या था हमारा टाइम था, ठीक समय, ठीक। अभी मेरे पास मिल गया वो, अब करना क्या है, हमको काम करना बच्चे सिर्फ 6, कितना 6 में कर रहे हैं, ये कितना है 7, क्षमता कितनी है 7, तो 6×7=42 बेटा, 7×6 कितना बच्चे 42, 42 काम हो गया। देखो वहाँ भी हमने निकाला था, यहाँ भी आपके लिए वही कर रहे हैं कि जो भी क्षमता आएगी मल्टीप्लाई बाई जो भी आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो कितना है 42 आ गया। अब जैसे मेरे पास 42 आया, लेकिन अब मैंने कहा काम तो टोटल 42, काम कितना टोटल हो गया, टोटल काम हो गया मेरे पास 42। अब कौन करे, हमने कहा अगर सी अकेला करे तो, अच्छा देखो ये इसकी 4 है तीनों मिला के और ये 7 है, दोनों का अंतर कितना बच्चे
तीन, तो सी की संख्या कितनी रही होगी, ये तो तीन है, तो बेटा वही रख लो, 42/3, तीन एकम तीन, तीन चौके 12, ये कितना आ गया बच्चे 14 घंटे में आपका ये कार्य संपूर्ण हुआ। जजमान वल वधु को बुलाइए, विवाह संपन्न हुआ, और दक्षिणा जमा कर, दक्षिणा अगर कम की तो गुण कम हो जाएंगे, ठीक। और इतना बता रहे हैं तुमको, गुड़ पूरे ना मिलाना, तो सुनो मेरी बात, आपको बताएं, समझो पहले बच्चे, समझिए पहले, अगर 4/4 करें तो क्या बचता है, एक, 4-4 करें कितना बचता है 0, 4×4 करो कितना बचा तुझा 16, अगर 4×4 करें कितना बचेगा बच्चे 8, कितना हो गया, हर बार 4 है मिला, समझ रहे हो अंतर है, इस बार 4×4 1 हुआ, इस बार 4×4 0 हुआ, इस बार 4×4 16 हुआ, इस बार 4×4 8 हुआ, हुआ। अब इसका सर तात्पर्य क्या, सर इसका साधित क्या संबंध है, बिल्कुल है साधित संबंध, पता क्यों, समझो, जब तुम 36 के 36 गुड़ मिलवाओगे बेटा, 36 इक्वल टू 36, तो तुम थप्पड़ मारोगे वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, रिप्लाई मिलेगा, गुड़ तो सेम है भाई, और मिले हैं तब तो बात हुई है, है ना। तुमने कहा देखो ऐसा है, हमारे साधित पहले 6 मैटर थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, 6 हमारे भी थे, उन्हें हमको सामने जल्दी आती, उन्हें हमें भी आती है, मतलब कोई बात नहीं, गुड़ तो बराबर मिले, अभी खुश हो, लेकिन 4 दिन बाद सुबह तुमको चाय हो गई, हमें चाय, अब गुड़ दोनों बराबर उठेगा कौन, कोई नहीं उठेगा, अब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो, गुड़ पहले तो मिलाओ ना, अब मिलाओ तो माइनस प्लस मिलाओ, मिलाओ तो माइनस प्लस मिलाओ, कैसे वाले, कि भाई 4+ के -4 है, क्या बचा 0, यानी अपने ही अपने रखो, और अगर ऐसा नहीं है तो 4+4 मिला लो, ठीक। अब इनको कुछ ना करो, सिंपली समझो मोटी बात, कि दोनों में सेम लक्षण नहीं होने चाहिए, अगर हैं बच्चे देखो, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस कुछ नहीं बचता भैया, माइनस और माइनस नहीं मिलता, एक सेल भी लेते हो यार, तो एक तरफ ऋण होता है, एक देखते हो धन होता है, ठीक। हाँ अब ऑस्ट्रेलिया वाले बनना नहीं, मैंने श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया बना दो तुम्हें, यहाँ चलो भाई, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 40 नंबर लगाइए भाई, 40 नंबर, हाय हाय वो चांद था मैं उसके पीछे एक सितारा, उसे पसंद था मुझसे बड़ा कोई और तारा है, ध्रुव तारा पसंद था उसको, है डायरेक्ट उत्तर में जाना था, बोले अगर पता होता कि इतना तड़पाती है मोहब्बत, अगर पता होता कि इतना तड़पाती है मोहब्बत, तो दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेता है। हाँ चलो अब 40 नंबर लगा लो, हाथ जोड़ लिए, डन। चले कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि जब टंकी आधी भरी हुई हो, जब टंकी आधी भरी हुई हो, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाएं, इसी प्रकार के ऐसे नल और खोले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो 3 ऐसे नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन ए 45 मिनट, ऑप्शन बी 3 घंटे 15 मिनट, डी है सी है 4 घंटे 15 मिनट, और डी है 3 घंटे 45 मिनट, सारे ऑप्शन मिल गए। अब इसको समझिएगा, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि भैया कोई जो नल है, कोई टंकी है, वो भर रहा है, क्या भर रहा है कि किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक, कोई बात नहीं, हमें करना है, हमने मान लिया, कुछ भी माना, मतलब हम चलो नहीं मान रहे, बस
तुम कह रहे हो नहीं मानेंगे, बस हम कहे माने किसी के, हम अपने ही मानेंगे। चलो भैया नंबर 40, ये कोई एक नल है ठीक, और किसी के घंटे भर रहा होगा ठीक है। तो हमने बोला कोई बात नहीं भैया ये घंटे भर रहा है, तो अभी कितना है? बोले सर अब वो 6 में भर रहा है और 6 घंटे लगा रहा है, अब वो 6 घंटे लगा रहा है। तो हमने ठीक है वो 6 घंटे लगा रहा है और मान लो 6 लीटर भर भी रहा है, 6 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, काम खत्म डन। अभी क्या है सर? लेकिन टंकी आधी भरी हुई है, लेकिन टंकी आधी भरी हुई है। कोई बात नहीं, टंकी आधी भरी हुई है बटे दो, दो तिहाई 6, इन टंकी 3 बची हुई है। टंकी क्या है कि 6 टंकी थी, 3 भरी हुई है, तो बची कितनी बेटा? 3 लीटर में भरना है। कितना भरना है? 3 लीटर और भरना है। लेकिन उन्होंने कहा सर अब ऐसा है कि ऐसे 3 नल, उसी प्रकार के 3 नल और आ जाए, ठीक कोई बात नहीं 3 नल आएंगे बिल्कुल ठीक है। तो एक नल तो हमारा पहले से है ना, एक पाइप तो हमारा पहले का ही है, 3 और आ गए, कितने हो गए भैया? 4 पाइप हो गए। अब 4 पाइप से 3 लीटर भरना है, तो हमने भाई देखो 3/4, आप देखो क्या घंटे में बात रही, अब तो घंटे में बातें नहीं, अगर ऊपर 4 होता तो घंटा हो जाता। अब ये घंटे में सब था पहले, मिनट में करोगे तो मल्टीप्लाई भाई 60 और 15 चौके 60, 15 दिया 45, यानी 45 मिनट में इस टैंक को ये भर सक दे। किस में आ जा कि भैया 45 मिनट में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डन करे, कोई दिक्कत आई? भाई दिक्कत जब होगी जब आप समझोगे नहीं तब। अपने सेनापति को यहीं लगाओ, अपने सेनापति को कहाँ लगाना है? यहीं लगाइए, वरना ये कहेगा बहुत मस्त व्यक्ति, डांस बहुत अच्छा था, चलो वहां देखते हैं, और तुम चलेगा तो भटका देगा। तो अपने सेनापति को यहीं लगाइए। चलिए भाई ये हमारे बच्चे कर, तुम्हें हट जाओ सर हम देखेंगे। अब भाई हम हैं तभी तुम हो, तो हमें ना हटाओ यहां से। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कि यदि किसी टैंक को 1/3, यदि एक किसी टैंक को 1/3 टैंक भरे होने पर, 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसे आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? ऑप्शन नंबर ए 140, बी 145, सी 120, डी 146 लीटर। समझो बात, तू क्या क्या रहा है, उसकी भावनाएं समझो भाई, समझ जाओगे का नहीं? देखो समझो बात, वो कह रहा है कि कोई टैंक 1/3 जब भरा हुआ है ना, 1/3 जब भरा हुआ है तो उसमें 80 लीटर पानी और आ जाता है। 80 लीटर पानी आता है कब? जब वो 1/3 भरा हुआ है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो आधा भर जाए, कितना भर जाए? आधा भर जाए तो कितना पानी आएगा? समझो भाई, समझिएगा, बहुत आसान सा है और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक। समझ गए तो आंसर आ गया चुटकी में, एकदम फुर्ती में। ऑप्शन दें? ऑप्शन दो, ऑप्शन है बच्चे 140, 145, 120 और 146। चलिए नंबर 41 ना है, ठीक है 41 है 42 है 41 है 41 ठीक है। तो बेटा 1/3 भरा, कितना भरा? 1/3 ठीक है, यानी 3:1 हो गया ठीक। जब ये 3 भरा हुआ तो कितना बता रहा है? 80 लीटर भरा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 8 + 3 = 24, 240 लीटर हो गया। आधा भरा हुआ है तो बटे दो, कितना होगा बच्चे? 120 लीटर, 120 लीटर हो गया बच्चे। जिनको यहाँ से प्रॉब्लम आई हो वो फिर समझो कि भैया देखो कोई टैंक है वो 1/3 भरा हुआ है, यानी 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ, और वो कह रहा 3 नहीं 80 लीटर है, क्या है 3 नहीं 80। तो हमने कहा कोई बात नहीं, देखो भैया कितने गुना अधिक है, या हम कहते हैं चलो भैया कितना कह रहा 80 है, तो हमने क्षमता जान लो भाई, तो 8 + 3 =
24 240 कह रहा नहीं अब आधा भरना है, कितना आधा भरना है, तो हमने मल्टीप्लाई बाई 1/2 हाफ ये तो होता है आधा। तो बच्चे देखो ये दो कितना देगा 240 बटे दो और 12 दूनी 24 120 हो गया फिर से डन। करें अगला करें क्या हुआ करो वही हाँ चलो कि किसी टैंक को 3/4 कितना किसी टैंक को 3/4 पानी भाग पानी से भरा हुआ है, कितना 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें 30 लीटर पानी निकाल लें, कितना 30 लीटर पानी निकाल लें तो टंकी खाली हो जाएगी, तो 30 लीटर पानी निकाल लें तो टंकी खाली हो जाएगी, तो टंकी की धारिता बताइए, तो टंकी की धारिता बताइए, ये तो और सिंपल है। नहीं बेटा ऑप्शन दें 36 लीटर 42 लीटर 40 लीटर और 38 लीटर कितना कितना है 36 42 40 और 38 कुछ नहीं करना बिल्कुल ऐसे ही सेम है इस बार। अच्छा तुम लोग दो भाई लाइव वाले ज्योति और आंचल राधे क्षितिज गोपाल आए पाए हो मंजू रितु आपके लिए भी बच्चे सरोज रविकांत हम तुम जिन जिन के नाम याद हो गए हैं बिना देखे बोल देते हैं हम बता रहे हैं पढ़ो बाकी लोग भी आओ तुम्हारा भी नाम याद कर ही लेंगे हम। चलो बच्चे देखो क्या कह रहा है 3/4 नंबर कितना है इसका 42 तो 3/4 भरा हुआ कह रहा 30 लीटर निकाल रहे हैं तो टंकी खाली हो जा रही है। अच्छा कोई बात नहीं तो इसका परसेंटेज क्या बन गया भैया ये 4 बन गया और ये 3 बन गया मतलब रेशियो बना लो जब रेशियो बना लिया कितना 4 और 3 और कह कुछ नहीं रहा ये कह रहा भैया हम जब 3 निकालते कितना रह जाता है हमारे पास 30 लीटर जब निकालते हैं तो कितना बच जाता है कोई बात नहीं दो कितने गुना बेटा 10 गुना है ठीक ठीक टोटल टोटल कितना है 4 है तो ये भी कर दो भैया मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया बच्चे तो टोटल 40 लीटर है इसमें भाई समझो ये 3/4 था तो 3 ही का अगर हम 30 लीटर निकाल लेते हैं तो डब्बा खाली तो देखो कितने गुना है बेटा 10 गुना अधिक है और टोटल कितना है 4 तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 तो टोटल 40 यानी 40 टोटल है 30 निकाल दिया है ठीक। तो अगर मुझे कितना बचता है तो यानी 1 के बराबर कितना है बच्चा 1 करोड़ 10 लीटर है ठीक डन समझ में आया बोले फुर्सत मिले क्या कभी फुर्सत मिले तो कभी बैठकर सोचना कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचना कि तुम भी मेरे अपने हो कि कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचना तुम भी मेरे अपने हो या सिर्फ हम ही तुम्हारे हैं बोले कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचना कि तुम भी मेरे अपने हो या हम ही सिर्फ तुम्हारे हैं। चलो भाई नेक्स्ट लगाओ टाइम बेटा कितना हो गया है टाइम नहीं दिख रहा आप लोग बताओ भाई लाइव चलिए 58 बहुत अच्छे बच्चे अभी समय और है दिल की गहराइयों चलेंगे अभी आज देखो अभी जाना नहीं है अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद जाएंगे टाइम होने का मतलब ये नहीं आप निकल जाएं फुर्ती से टाइम होने का मतलब नहीं होता है सिर्फ अपने क्लास को पहले पूरी आज आपकी लास्ट क्लास है उसकी है ना। तो नंबर 43 लगाइए कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है कितना है 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा होगा
ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन डी और सी है 1/5 और डी 1/6। कैसे लिए बताइए, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना भाई, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना। पकड़ें, करें, क्या हुआ था, सिंपल से समझ लेना मेरे भाई। समझना क्या है कि हमें बताया कि 1/4 जब भरा होता है ना तो उसमें 105 लीटर होता है, और यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितना भाग भरा होगा, समझो। या ऐसा ही है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। बोले असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तुम में जुनून होना चाहिए भाई, जागना चाहिए, है ना, चलेगा। बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, 1/4, नंबर 43, 1/4 जब भरा हुआ है तो उसमें क्या है भैया मेरे पास, कितना लीटर पानी, 105 लीटर पानी है। अच्छा समझो, कितना भरा हुआ, 4, यानी 4:1, और ये कितना कह रहा है, 105 लीटर है, ठीक है, यानी कितने गुना हो जाएगा, 135 गुना हो जाएगा। तो इसको भी कीजिए मल्टीप्लाई बाई 135, 135 गुना बढ़ा दीजिए, 5 × 20 कैरी 2, फिर 4 × 3 = 12 और 2 = 14 कैरी 1, 4 × 4 = 5, यानी 540। 540 क्या है, पूर्णांक है ना, 540 टोटल है। अब हमें, हमारे पास कितना पानी है, 180 लीटर जो भरना है भाई, 180 जब हो जाएगा तो भाग बता जाना ना। तो बेटा देखो, 180/540 और कुछ रह गया, नहीं रह गया, तो सॉल्व कर दो, 0 से 0, 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, 1/3 भाग हो जाएगा जब 180 लीटर पानी हो जाएगा। तो 1/3 किस में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। डन, ऐसा सीधे से बता देते, नहीं सीधा सीधा नहीं बताना चाहिए, वैसे आंसर तो यही हो जाएगा, आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही तो है और वो एक कितना, 135 के बराबर है। समझो, सिंपल समझिए कि भैया एक है तो है, वो कह रहा है एक नहीं 135 है, कितने गुना है, 135 गुना अधिक हो जाएगा बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 135 गुना अधिक हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कितना टोटल हो जाएगा, 540 पूर्णांक हो जाएगा, और उसी में से मेरे पास है, लेकिन वो कह रहे हैं 180 अगर हो तो कितना भाग हो, 0 से 0, 18 × 18, 18 × 3 = 54, यही आंसर था। यहाँ समझाना था आपको मेरे भाई, ठीक है, करें अगला। बोले आसमां इतनी बुलंदी पे, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है और भूल जाता है कि जमी से ही तो तू नजर आता है। फिर नहीं समझे, फिर समझो कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही तो नजर आता है, वरना कोई देखेगा उसको का मंगल ग्रह देखेगा, आसमां कहाँ है, अर्थ वाला नहीं देखेगा ना, बुध वाला देखने आएगा ना, सूर्य वाला, ये दिखाई भी नहीं पड़ेगा उसको, तो हम ही लोग देख पा रहे हैं और इतरा रहा अपने ऊपर है, गलत बात है, कूटो उसको। चलिए, तो किसी टैंक को, अगला प्रश्न है 44, सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, 44, किसी टैंक को आ, किसी टैंक का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसे, यदि उसमें से 50 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता बताइए, तो टंकी की धारिता बताइए। ऑप्शन ए 120, बी 121, सी 125 और डी 124। खिलाड़ियों के आंसर आ गए हैं, जो खिलाड़ी बने उनके आंसर आ गए भाई, चलो भाई एक्टिव हो, एक्टिव हो गए हो, चलो भाई अर्जुन बन जाओ भाई,
तुम्हारा सेनापति नहीं काम कर रहा है, इसको बुलाओ। तुम्हारा सेनापति, समझ गया ना? हाँ, ये तुम्हारा सेनापति, इसको बुलाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेनापति को बुलाओ और निर्देश दो ये काम करेगा। निर्देश तुम्हें देना है, ध्यान रखना। ये आपको बहकाएगा, भ्रमित करेगा, मानना नहीं, बोलना ऑर्डर दिया काम कर, करेगा। ठीक है? हाँ चलो भाई, कुछ भी नहीं, 2/5 है, यही तो भरा हुआ है। और क्या कह रहा है? तो 50 लीटर पानी निकाल दें। निकाल दो, टोटल 5 हैं, हमने निकाले 2। ये कह रहा 50 निकाल दो। कोई बात नहीं, 50 निकाल देंगे। कितने गुना निकाला? 25 गुना निकाला ना। तो धारता पूछने, पूरा पूछ रहा है। धारता मतलब यही तो होता है, कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब पूरा पूछ रहा है कि पारा पूरा कितना है। तो भैया 5 × 25 और 25 × 125 कलेक्ट धारता है 125। कुछ करना था अगर ऐसे दिल ना लगे तो देखो, 5 ratio 2, 2 नहीं है, कितना है? 50। ठीक, अब 50 मिल गया है तो मल्टीप्लाई में क्या करोगे बेटा? 25। तो अब यहां भी करोगे कितना? 25, कितना हो जाएगा? 125। बात वही आनी है, सिंपल सा था, आसान सा था। हाँ, भूख लगी है, नींद लगी है, पगला हो तुम। चलो आज का अंतिम लगाते हैं, फिर करते हैं आज का, ठीक है? इसका कल का टॉपिक भी आप डाल देना, कल से क्लास इसका स्टार्ट करें तो किसकी करें ना, कुछ जीडी पूरा खत्म करना हम लोगों को, जीडी में निमटाना है। अपने अपने सेनापति को आदेश दो बेटा, वर्दी चाहिए और तुमसे ही चाहिए। चलिए, तो किसी टैंक के 1/6 भरे होने पर, किसी टैंक के 1/6 भरे होने पर उसमें 105 लीटर पानी है। कितना है? 105 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा होगा? जब 105 लीटर पानी बचे तो कितना भरा? 1/6 भाग भरा है। करा अगर उसमें 180 लीटर पानी भर दें तो कितना भाग हो जाएगा? कोई बात नहीं, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। ए 1/3, बी 1/2, सी 1/4, डी 1/5। सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं करना, सिंपल, बहुत ही सिंपल। हाँ लगाओ, तुक्का लगाओ बच्चे। कह रहा है 1/5 बेटा, 1/5 तो है ही, तुम बताओ कितना है। चलो ठीक है, 1/6 तो है बच्चे, अब तुम बताओ कितना भरा है। ठीक है, समझिएगा पहले भैया, जब 1/6 कितना है? 1/6 भरा हुआ है तो उसमें कितना पानी है? कितना पानी है? 105 लीटर है, जब 1/6 भरा हुआ तब। अच्छा समझो, चाहे ऐसे कर लो, देखो 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात वही है, ये कह रहा 7 नहीं, कितना है? 105 है। कितना है? 105 है। पहला कौन सा आता आपको? 15 × 7 = 105, ये 15 गुना है बेटा। ये कितना? 6 कितने गुना करोगे? 15 गुना, 15 × 6 = 90। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो बेटा 90 तो चाहिए, और क्या चाहिए? अब 90 है, लेकिन क्या बोल रहा है? जब हम भरें कितना? 180। कितना भरेंगे? हम भरेंगे उसमें 180। तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या करोगे? 90/180, ए यानी 9 × 9, 9 × 2 = 18, 1/2 भाग भर जाएगा। 1/2 भाग कौन सा है भैया? बी नंबर है। कितना है? बी नंबर है। बोले जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, सभी को फिर से जय हिंद, राधे राधे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।